हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज हमें फिफ्थ वीक का असाइनमेंट शेयर करने वाले हो आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिफ्थ वीक का असाइनमेंट है यहाँ पे, एंड द टॉपिक फॉर द असाइनमेंट इज़ करके सीखना। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आप अपनी सीख अधिकतम 300 शब्दों में लिखकर साझा करें। तो उसमें क्या करना है कि आपने जो भी कुछ सीखा है इस इंटर्नशिप के दौरान, आपको वो शेयर करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि SRT डायट या प्राथमिक विद्यालय और GP ऐप, जो प्रथम ऐप है, के द्वारा मैंने मतलब DLA प्रशिक्षु ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1-2 की भाषा एवं गणित में कमजोर बच्चों का चयन करके उन्हें ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को शुरू किया, जिससे बच्चों को गणित एवं भाषा का स्तर अच्छा हो सके, का लेवल अच्छा हो सके। सो इस प्रक्रिया में मैंने प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1-2 से 10 बच्चों का चयन किया। एंड ऑनलाइन इंटर्नशिप के कार्यक्रम के दौरान मैंने बच्चों के माता पिता से बात की और बच्चों को नियमित पढ़ाने के संदर्भ में उनके माता पिता को खाली समय, मतलब जब भी वे घर पे उपलब्ध हो, और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। अतः इंटर्नशिप के दौरान मैंने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को सीखा, समझा तथा किस प्रकार समस्याओं का समाधान किया जाए। समस्याओं मतलब जो भी पढ़ाने में जो समस्याएँ आ रही हैं उसका समाधान या उसका हल किस प्रकार किया जाए, उस पर विचार विमर्श करना भी जाना। प्रतिदिन दिए जाने वाले विषय पाठ्यक्रम को बच्चों के स्तर के ध्यान में रखकर किस प्रकार बनाया जाए, इसे भी पूरी जानकारी प्राप्त हुई। मतलब जो कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो बच्चों के लेवल के अनुसार होना चाहिए, इसको भी मैंने सीखा इस इंटर्नशिप के दौरान। एंड भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे है कि अतः भविष्य में कभी भी मुझे ऑनलाइन या स्कूल में पढ़ाने का अवसर प्राप्त होने पर मैं पाठ्यक्रम को बच्चों के स्तर के अनुसार रखने का ज्ञान और समझ प्राप्त हुआ। मतलब भविष्य में अभी कभी भी टीचर बनूँ तो मुझे ये पता होगा कि बच्चों के लेवल के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। अतः बच्चों के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना तथा उनको बच्चों तक किस प्रकार पहुँचाए या समझाया जाए, यह भी इस ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम के द्वारा सीखा मैंने। और फिर यहाँ पे अध्यापक अध्यापकों को बच्चों के माता पिता से बच्चों को संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी समस्याओं को समझना और हल करने का भी एक प्रकार से हम प्रशिक्षुओं के सामाजिक, मतलब अगर इंट्रैक्शन होती है उनके पेरेंट्स के साथ, तो हमारे सामाजिक जो सोशल वैल्यूज़ हों वो उनके गुणों का विकास होता है। और लोगों से बात करने का सामाजिक प्लेटफॉर्म, मतलब जो भी हमें ऑनलाइन इंटर्नशिप का प्रोग्राम था उसमें मुझे हमें सामाजिक प्लेटफॉर्म मिला, और तो हमारे सामाजिक गुणों का विकास हुआ, और जिससे हम बच्चों से तथा उनके माता पिता से किस प्रकार बात करनी चाहिए, इसका एक अच्छा अवसर इस कार्यक्रम द्वारा प्राप्त हुआ। खेल कूद द्वारा बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी प्रतिदिन दिए गए पाठ्यक्रम से सीखा गया। मतलब खेल कूद का भी एक हमें वीडियो दिया गया था जिसमें हम गिनती, पहाड़ा, खेल कूद के मतलब खेल कूद के माध्यम से सीख रहे थे। एंड इस प्रकार ऑनलाइन इंटर्नशिप के माध्यम से बच्चों को घर में रहकर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की प्रक्रिया को जारी रखने का सुझाव और तरीका निकालने का विचार प्राप्त हुआ कि मतलब हम खेल कूद के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। सो इस प्रकार मैंने इस ऑनलाइन इंटर्नशिप से एक कुशल अध्यापक या अध्यापिका बनने का मार्गदर्शन प्राप्त किया। देन ओवरऑल मैंने जो इंटर्नशिप के थ्रू ये सीखा, ये मेरा पॉइंट था। एंड थैंक यू। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।